नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट आरपीएससी के पैटर्न को लेकर देखने को मिल रहा है भैया। आरपीएससी में कुछ नया नियम लागू होने वाला है। यहां पर दो दिन से अखबारों में न्यूज देखने को मिल रही है, काफी ट्वीट्स भी देखने को मिल रहे हैं। फाइनली इस नोटिस के लेकर आप सामने उपस्थित हूं कि क्या होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, क्या कारण है, किस वजह से लागू किया जा रहा है, क्या नुकसान रहेगा, क्या फायदा होने वाला है, कब तक लागू हो जाएगा, जितने भी सवाल बन रहे हैं इस नोटिस से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूं। आरपीएससी की तरफ से बड़ी अपडेट, अब जो आपकी ओमआरएस सीट होती है, जो अमार सीट होती है, उसमें चार नहीं पांच विकल्प देखने को मिलेंगे भैया। बिल्कुल ऐसा सोचा जा रहा है, फाइनली अभी नोटिस नहीं आया, ध्यान रखिए। अभी मतलब कि बोर्ड की तरफ से, आरपीएससी जो है उसकी तरफ से सोचा जा रहा है भैया, केवल आयोग की तरफ से सोचा जा रहा है कि वैसा होना चाहिए। क्या कारण है इसके बारे में हम बात करेंगे सर, क्या फायदा रहने वाला है, क्यों लागू किया जा रहा है, नुकसान क्या होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कब होगा लागू? नुकसान तो देखो कोई भी अच्छी चीज होती है तो लागू, मतलब कि नुकसान तो इतना होता नहीं है ध्यान के, लेकिन आपके लिए कोई अच्छी चीज हो रही है तो उसमें छोटे मोटे नुकसान है, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। बात करें कब होगा लागू, इसके बारे में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े एग्जाम है आरपीएससी की तरफ से, तो कब लागू हो जाएगा भैया, यह बड़े सवाल देखने को मिल रहा है। बात करते हैं आरपीएससी का जो नया पैटर्न, जो कि ओमआर सीट पर लागू होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं ओमआर वाला, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होंगे। एग्जाम पैटर्न तो सारे सेम ही रहते हैं, पैटर्न ओमआर पे थोड़ा सा बदलाव हो रहा है भैया, यहाँ पर सोचा जा रहा है। अभी देख लीजिए, यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल रहा है। पहले आपको बता देता हूँ क्या होता था, चार नहीं अब पांच ऑप्शन, चार ऑप्शन आते थे भैया की एक दो तीन चार, ठीक है, चार में से एक सही होता था, ठीक है, उसको आप क्लिक कर देते थे, जो नहीं आता था, ध्यान रखो देखो सारी चीजों को, सवाल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पहले क्या होता था कि मान लो सेकंड नंबर ऑप्शन हुआ, आपने गोला कर दिया भैया ये ओके हो गया, मार्कशीट भर दिया आपने, है ना, ठीक है, ऐसा आप मार्कशीट में करते आए थे हमेशा से, ठीक है भैया। और जो नहीं आता था क्वेश्चन, उसको आप क्या करते थे, खाली छोड़ देते थे, ध्यान रखो ऐसा आता था कि खाली छोड़ दिया भाई, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, कोई सा भी क्वेश्चन, मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके चार ऑप्शन मैंने खाली छोड़ दिया, उसको भरा ही नहीं, तो काउंट ही नहीं होता था, ये ध्यान रखिए। अब क्या हो गया है भैया, अब थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है, यहां पर हो गए हैं पांच ऑप्शन, चार नहीं पांच ऑप्शन, और पांचवा ऑप्शन जो आएगा वो किस चीज का आएगा, नोट अटेम्प्टिंग, ये ध्यान रखे, यानी कि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करने वाला हूं, ये ध्यान रखे, यानी कि इस यह क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है तो आपको टिक लगाना पड़ेगा, पहले खाली छोड़ देते, इस बार भी आपको यहां पर कोई आ रहा है तो जो जो उत्तर आपको लगता है उस पर गोला कर देना भैया, लेकिन नहीं आ रहा, आप नहीं करना चाहते तो ये ध्यान रखिए उसको यहां पर गोला करना पड़ेगा, ये ध्यान रखे। नोट अटेम्प्ट का ऑप्शन यहां पर लागू किया जाने की संभावना है, अभी तक लागू नहीं हुआ है लेकिन प्रयास इसको लेकर किया जा रहा है। कुछ कारण है भैया, कारण क्या है इसको लेकर बात कर लेते हैं। कारण क्या है भैया, प्रदेश में भी थोड़े समय पहले आपने देखा होगा राजस्थान में ईओआरओ की वैकेंसी देखने को मिली, गफला सबसे बड़ा देखने को क्या मिला, उसमें आपकी ओमआर सीट जो थी, जो विद्यार्थी ने मतलब की खाली छोड़ दी ओमआर सीट, पेपर देने चला गया, ओमआर सीट खाली छोड़ दी, और सोशल मीडिया पर चैट्स भी वायरल हुई, न्यूज में भी हमें देखने को मिला, उसमें क्या देखने को मिला कि आपकी ओमआर सीट भरवा दी जाएगी भैया, इतने रुपए आप दे दीजिए, ऐसा मतलब की वहां पे कुछ केस ऐसे सामने आए, कुछ मतलब कि लोग भी पकड़े गए ऐसे केसेस को लेकर। तो अब इसको रोकने के लिए कि ओमआर सीट को आप पेपर देंगे उसी टाइम, अगर करना है तो ओके करो भैया, नहीं करना है तो नोट अटेम्प्ट पे ओके करके ओमआर सीट खाली नहीं छोड़ सकते, ये ध्यान रखें, ऐसा यहाँ पे किया गया है। अगर आपने खाली छोड़ा, मान लो कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो ठीक है भी चेक हो जाएगा, अटेम्प्ट मान लो कि क्वेश्चन नहीं किया और टिक को क्लिक नहीं किया तो कॉपी चेक नहीं होगी, ऐसा प्रयास यहाँ पर होता है। देखो यह चीज जो होती है ना लागू, जो अभी राजस्थान में सोचा जा रहा है, लेकिन ये हरियाणा और केरल में लागू है भैया पहले से, ध्यान रखें। तो ऐसा प्रयास केरल और हरियाणा में पहले लागू किया गया है और वहां पे चल भी रहा है सही से, तो अभी बात करते हैं कि राजस्थान में भी ऐसा लागू हो सकता है, आरपीएससी सोच रही है इसके बारे में, समझ में आ गया होगा। फायदा क्या होगा भैया, इस चीज का फायदा क्या होने वाला है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फायदा यही है कि भैया आप कोई खाली नहीं छोड़ सकेगा, पेपर लीक जैसी जो घटनाएं होती है, ओमआर सीट भरवाने जैसी जो घटनाएं होती है, उन पर रोक लग जाएगी, ये सारी चीजें इसके फायदे को लेकर रहेंगी। तो पेपर लीक जैसी घटनाएं हैं जिसपे कानून बन रहे हैं बार बार, तो उसमें फायदा बस यही है कि आपको पेपर लीक जैसी घटनाओं से बचना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे बचा जा सकेगा ना। नुकसान की बात कर लेते हैं कि देखो भैया जब पेपर होता है, थोड़ा सा नुकसान आपको क्या है कि विद्यार्थी को कहाँ देखने को मिलेगा, सपोज दैट कि चार ऑप्शन होते थे तो जो आता था वही क्लिक करना होता था, उसको भर देते थे भैया, है ना, जो आता था उसको भर देते थे, ठीक है। तो मान लो कि मैक्सिमम दो घंटे कोई पेपर है, तीन घंटे कोई पेपर है, तो विद्यार्थी क्या होता है कि भाई हाँ मेरे को 150 में से 90 क्वेश्चन आ रहे हैं और 90 क्वेश्चन मैंने कर दिए भैया, 90 आए 100 आए जितने भी आए मैंने उसको मतलब कि गोला कर दिया भैया, बाकी को जो 60 नहीं आ रहे थे वो गोला नहीं करने पड़ते थे। लेकिन अब क्या होगा, समय आपका जाएगा, ये ध्यान रखो समय आपका जाएगा, यानी कि जिसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे
उसको भी गोला करना पड़ेगा, ध्यान रखें, नहीं तो ओनरशिप चेक नहीं होगी। ऐसा मतलब कि यार अब ये ओनरशिप चेक कैसे नहीं होगी, क्या नहीं होगी, ये फाइनली जब नोटिस आएगा ना तब आपको बता पाएंगे, लेकिन अभी तो ये मान के चलिए कि यही होने वाला है जो बाकी राज्यों में भी चालू है। ठीक वैसे ही प्रोसेस ऐसा होने वाला है कि चार में से मतलब पांच आएंगे, पांच में से कोई आ रहा है तो उसको क्लिक कर दीजिए भैया, नहीं आ रहा है तो नोट अटेम्प्ट वाले पे क्लिक करके आपको कॉपी देनी होगी, जानने के खाली नहीं छोड़ सकते। तो नुकसान क्या हुआ कि आपका समय लगने वाला है, क्योंकि पहले जितने आते थे उनको ही गोला करना था, नहीं आ रहा है ना तो भी आपको गोला करना पड़ेगा, गोला करने में आपको समय लगता है भैया उमर सीट में, ये ध्यान रखें। ऐसा मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान ये है, बस थोड़ा सा समय लग जाएगा आपको, या तो टाइम बढ़ेगा या फिर जो भी है, लेकिन यहाँ पे समय लगने वाला, 3 घंटे का पेपर है तो भैया गोला करने में भी समय लगता है। ठीक है, तो ये बात होगी नुकसान से लेकर। कब होगा लागू? अब देखो आरपीएससी का विचार चल रहा है कि आरएएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन डेट यहाँ पर आई हुई है भैया अक्टूबर में, तो उस डेट को यहां पर लागू हो सकता है, यानी कि आरएएस की जो वैकेंसी है ना उसमें लागू किया जा सकता है। अभी लागू करने को नोटिस नहीं आया, केवल सोचा जा रहा है कि इसमें हम सोच रहे हैं कैसा कर सकते हैं पहले जो भर्ती होने वाली आरपीएससी की अगली, ताकि आरपीएससी पे विश्वास कायम रहे। आरपीएससी पे पिछले कुछ समय में काफी मतलब की लगे हैं भैया, यहाँ पर काफी लोगों ने बोला भी आरपीएससी के बारे में भी, एक भी एग्जाम समय सही से आयोजित नहीं हो पा रहा है आरपीएससी से, तो इन सभी चीजों को लेकर आरपीएससी अपने दाग होना चाहती है, ध्यान रखे, तो कुछ ना कुछ तो नया बदलाव करने वाली है आरपीएससी। तो यहाँ पे अगर यहाँ बदलाव लागू होता है तो मैंने बता दिया कि बदलाव लागू होगा तो इस हिसाब से होगा, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन जब आएगा तब आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, नोटिफिकेशन पीडीएफ भी आएगा, उसमें समझाया जाएगा कैसे कैसे क्या होने वाला है, वो सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन अभी क्या बहुत से सवाल हो रहे थे, सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था क्या हो गया क्या नहीं हो गया क्या, तो थोड़ा सा वीडियो मुझे बनाना पड़ा है और मैंने बता दिया इसके बारे में कि अब चार नहीं पांच ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसा सोचा जा रहा है आरपीएससी के बारे में, आरपीएससी सोच रही है, लेकिन जल्द ही जैसे लागू होगा तो आपको बता दिया जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई सवाल आपका रह गया तो कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,